आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच मैच नंबर 5 एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय किया। मुंबई इंडियंस की टीम की पहले बल्लेबाजी आई। टीम की बल्लेबाजी शुरुआत में काफी खराब रही, टीम ने लगातार विकेट गंवा दिए। टीम के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज फ्लॉप होते चले गए, लेकिन तिलक वर्मा की पारी की बदौलत टीम 20 ओवर में 171 रन के स्कोर तक पहुंची और टीम ने एक सम्मानजनक स्कोर बनाया। लेकिन 172 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के दोनों ओपनिंग बल्लेबाजों की सोच काफ़ी अलग थी। फाफ डू प्लेसिस विराट कोहली की जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए उतरी और दोनों ही खिलाड़ियों ने कुछ ऐसा किया जो इतिहास बन गया। दरअसल आपको बता दें कि विराट कोहली फाफ डू प्लेसिस की जोड़ी ने 172 के लक्ष्य का पीछा करना शुरू किया और दोनों ही खिलाड़ियों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। दोनों खिलाड़ियों के बीच 148 रनों की साझेदारी हुई, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 148 रन की साझेदारी के दौरान दोनों खिलाड़ियों ने अपने अर्धशतक को पूरा किया। कप्तान फाफ डू प्लेसिस की बात करें तो 43 गेंदों में 73 रन की पारी खेली और अपनी पारी के दौरान 6 छक्के और 5 चौके लगाए। इसी दौरान विराट कोहली ने भी अपने शानदार फॉर्म को जारी रखा। विराट कोहली ने भी अर्धशतक को पूरा किया और फाफ डू प्लेसिस के आउट होने के बाद भी वह टीम के लिए रन बनाते हुए नजर आए। फाफ डू प्लेसिस का विकेट अरशद खान ने लिया, टीम डेविड ने उनका कैच लपका और उन्हें पवेलियन की राह दिखा दी, लेकिन तब तक कप्तान विराट कोहली के साथ मिलकर टीम की जीत को तय कर चुके थे। बहरहाल दोनों की साझेदारी की बदौलत टीम ने इस मैच में जीत हासिल की है और दोनों ही खिलाड़ियों के शानदार फॉर्म की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम साल 2023 में जीत के साथ आगाज करने में कामयाब हुई है। आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।